नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय और आज मैंने जो आपकी रिक्वेस्ट ली है वो है छोगाड़ा तारा, जो कि लव यात्री मूवी से है। दरअसल इस हफ्ते दो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, पहली छोगाड़ा तारा और दूसरी राधा कृष्ण की। तो मैं जानना चाह रहा था कि ज़्यादा किसके लिए रिक्वेस्ट आई है, ताकि मैं उस पर वीडियो पहले बना सकूं। इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और इन दोनों सॉन्ग के लिए आपसे वोट भी करवाए थे और आप लोगों ने काफ़ी वोट किए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कम्युनिटी पोस्ट में आपने छोगाड़ा के लिए सबसे ज़्यादा वोट किए, तो मैं आज छोगाड़ा पर वीडियो बना रहा हूँ। और जिन्होंने राधा कृष्ण के लिए वोट किए वो भी काफ़ी वोट थे, तो अगला वीडियो मैं राधा कृष्ण पर ही बनाऊंगा। तो आज मैं आपकी ज़्यादा डिमांड पर छोगाड़ा सॉन्ग प्ले करना सिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टिव के जी से। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इस बात के लिए भी आते रहते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो मैं टोन यूज़ करता हूँ उसके बारे में भी बताया करें और जो मेरा पियानो का मॉडल नंबर है वो भी बताया करें। तो दोस्तों, इस गाने के लिए जो मैं टोन यूज़ कर रहा हूँ वो है अकॉर्डन सेकंड और जो मेरा पियानो है वो है केसियो सीटी के 2100। तो इस मॉडल पर जो अकॉर्डन सेकंड का नंबर है वो है 066। तो चलिए अब गाने पर आ जाते हैं। गाने की जो शुरुआत होती है वो होती है कोरस की लाइन से। तो पहले मैं लाइन को आपको प्ले करके दिखाऊंगा, फिर उसी लाइन को स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको बताता चलूंगा। तो कोरस की जो पहली लाइन है वो है, तो चलिए सीख लेते हैं। पहले एक बार मैं आपको स्लो बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ इतना देखेंगे पहले, तो इसको समझ लेते हैं। जी ए जी एफ शार्प जी, बस इतना। इसके बाद है क्या है, ए फिर जी फिर एफ शार्प फिर जी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसी को रिपीट कर देना है जो हमने अभी किया, ए जी एफ शार्प और जी, ठीक है, दो बार हो गया ये। अब इसके बाद लास्ट में क्या है, ए बी, सिर्फ ये दो नोट। तो पहले हमने क्या सीखा, इसके बाद और फिर इसके बाद इसी को हमने रिपीट कर दिया और लास्ट में। तो इन चारों भागों को हम जोड़ के कैसे प्ले करेंगे, पहला क्या था, फिर दूसरा, फिर तीसरा रिपीट, फिर चौथा, इस तरीके से। तो कंटिन्यू कैसे प्ले करेंगे, बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद जो अगली लाइन है वो भी कोरस की लाइन है, मगर वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो शुरू होगी हायर ऑक्टेव के डी से। तो सबसे पहले मैं आपको स्लो वर्जन बताता हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, स्लो देखिए इसमें क्या हुआ है, सिर्फ चार नोट लगे, हर ऑक्टेव का डी, मिडिल ऑक्टेव का बी, ए और जी। तो इस लाइन को हमें तीन बार प्ले करना है। तीन बार प्ले करने के बाद हमें क्या करना है, स्लो देखिए, नोट्स देखिए, एफ शार्प जी ए। तो पहले हमने क्या किया, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद। तो कंटिन्यू कैसे प्ले होगा, इस तरीके से, और इस लाइन को भी हमें दो बार प्ले करना है। अब इसके बाद एक म्यूजिक की लाइन आएगी जो कि बहुत ही स्पेशल म्यूजिक है। इस म्यूजिक का डांडिया के फंक्शन में काफ़ी यूज़ होता है और बहुत सारे हिंदी गानों में भी इस म्यूजिक को यूज़ किया जाता रहा है। स्पेशली गुजराती गानों में इस म्यूजिक का बहुत यूज़ किया जाता है। तो म्यूजिक है, इस तरह से म्यूजिक है, स्लो देख लेते हैं इसको।
इस लाइन को प्ले करना भी बहुत ही सिंपल है। देखिए चार नोट में लाइन प्ले हो जाती है, सी डी हायर ऑक्टेव के और ए और बी मिडिल ऑक्टेव के, सिर्फ इन चार नोट में ये लाइन प्ले हो जाती है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। इस म्यूजिक की लाइन को तीन बार प्ले करने के बाद इसके बाद क्या प्ले होगा, इस तरीके से हमको प्ले करना है। इसमें भी कुछ नहीं है, ये धुन सिर्फ दो नोट में होती है, जी और ए में, बस इसमें क्या है हमें थोड़ा सा फास्ट प्ले करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको भी स्लो देख लीजिए, इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। पहले आप स्लो करें, फिर थोड़ा फास्ट और फास्ट और फास्ट, इस तरीके से। इस तरह से अगर आप दो चार मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो पहले हमने क्या प्ले किया था, इसको हमें तीन बार प्ले करना है और उसके बाद, तो कंटिन्यू कैसे प्ले करेंगे, इस तरीके से। और इस लाइन को भी हमें दो बार प्ले करना है। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है गाना। गाने की लाइन है, ओ आवी गई रात आने भूलो बदी बात प्रेम नियम मौसम छे। सॉरी मेरे मुंह से ये गुजराती लैंग्वेज बहुत अजीब सी लग रही होगी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, स्पेशली गुजराती भाइयों से सॉरी। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ओ आवी गई रात आने भूलो बदी बात प्रेम नियम मौसम छे। इस तरीके से आपको प्ले करनी है। तो पहले समझ लेते हैं वो आवी गई रात, पहले सिर्फ इतना समझ लेते हैं, स्लो देखिए इसको। नोटेशन देख लेते हैं, सबसे पहले है ओ, ओ के लिए डी, डी हायर ऑक्टेव का है, इसके बाद आवी, आवी के लिए डी ई, ई भी हायर ऑक्टेव का है, इसके बाद गई, गई के लिए डी सी, सी भी हायर ऑक्टेव का है, इसके बाद रात, रात के लिए बी ए। तो कैसे प्ले होगी लाइन, ओ आवी गई रात, इस तरीके से। अब इसके बाद है आने भूलो बदी बात, ये लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही बजेगी जैसे हमने ओ आवी गई रात बजाई, बिल्कुल सेम लाइन है। इस लाइन में बस जो स्टार्टिंग में आने हैं उसमें दो बार डी लगाए, बाकी बिल्कुल सेम है। देख लीजिए फिर भी, आने के लिए डी डी, भूलो के लिए डी ई, बदी के लिए डी सी, बात के लिए बी ए। तो कैसे प्ले करेंगे इसको, अने भूलो बदी बात, बस यहाँ पर अने जो है यहाँ पे दो बार डी है, बाकी और सब सेम है। इसके बाद है प्रेम नियम मौसम छे, स्लो देखिए। नोट्स देखिए, प्रेम के लिए जी ए और निया के लिए ए जी, इसके बाद मौसम, मौसम के लिए जी ए, इसके बाद है छ, छ के लिए डी, डी जो है ये हायर ऑक्टेव का है। तो कैसे प्ले करेंगे, प्रेम निया मौसम छ। अब इन तीनों लाइनों को एक साथ प्ले करेंगे, ओ आवी गई रात अने भूलो बदी बात प्रेम निया मौसम छ। इस तरीके से आपको प्ले करनी है। अब इसके बाद जो लाइनें हैं वो बिल्कुल वैसे ही प्ले होंगी जैसे हमने अभी सीखी है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्ले होंगी। लाइन है, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेम नियम मौसम छे। लाइनों से ही आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वैसे ही इनको भी हमें प्ले करना है जैसे हमने अभी सीखी है। बस एक वही अंतर है, एक आध नोट कहीं पर ज़्यादा है और कुछ भी नहीं, बाकी पूरी की पूरी सेम बजेगी। मैं बस लाइन को प्ले करके बताता जाता हूँ, नोट्स आप स्क्रीन पर देख लीजिए क्योंकि लाइन बिल्कुल वही सेम है, तो मैं इसलिए सिर्फ प्ले करके बता रहा हूँ। उन्हीं लाइनों को मैं बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ प्ले करके बता रहा हूं और नोट्स आप स्क्रीन पर देखते रहिए। तो अगली लाइन है, अब आओ मेरे पास, नोट्स आप स्क्रीन पर देखते रहिए। इसके बाद है रह जाओ मेरे साथ और इसके बाद है प्रेम नियम मौसम छे। अब इसके बाद लाइन है, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। तो कैसे प्ले होगी पहले देख लीजिए, इस
इस लाइन के लास्ट में जो नोट आता है ए, इसको हम देर तक प्ले रखेंगे इस तरीके से। तो पहले समझ लेते हैं, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, सिर्फ इतना समझ लेते हैं। स्लो देख लीजिए इसको, नोट देख लीजिए। पहले है मिल, मिल के लिए डी, उसके बाद जाए, जाए के लिए जी एफ शार्प, इसके बाद है मुझको, मुझको के लिए ई डी, इसके बाद अगर, अगर के लिए डी सी, इसके बाद साथ, साथ के लिए डी सी, इसके बाद है तेरा, तेरा के लिए बी ए। इसमें सारे नोट हायर ऑक्टेव के लगे हैं, सिर्फ बी और ए को छोड़कर। तो कैसे प्ले होगी लाइन, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा। अब इसके बाद है तो भूलू मैं सारा जहां, लास्ट में जो हमने ए प्ले किया इसको हमें थोड़ी देर तक प्ले करके रखना है। स्लो देख लीजिए, नोट देखिए, तो के लिए जी, भूलू के लिए जी ए, मैं के लिए जी, सारा के लिए जी ए, जहां के लिए बी बी और ए। तो पूरी लाइन कैसे प्ले होगी, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलू मैं सारा जहां। अब इसके बाद लाइन आती है छोगाड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा। इस तरीके से आपको प्ले करना है। तो इस लाइन में भी हम सबसे पहले समझेंगे छोगाड़ा तारा। स्लो देखिए, ये जो मैंने दो नोट एक साथ प्ले किए ये लिरिक्स नहीं है, ये म्यूजिक है, इसको मैं बीच में आपको समझाऊंगा। तो पहले समझ लीजिए छोगाड़ा, नोट्स देख लेते हैं। छोगाड़ा के लिए सी बी ए बी, इसके बाद है तारा, तारा के लिए सी डी। छोगाड़ा तारा के बाद हमें क्या करना है, दो बटन एक साथ प्ले करने हैं, कौन कौन से, मिडिल ऑक्टेव का जी और हायर ऑक्टेव का डी। किस तरीके से, जी और डी पे दोनों पे फिंगर रख लेंगे और इस तरीके से हमें प्ले करना है। पहले प्ले करेंगे छोगाड़ा तारा और उसके बाद फिर म्यूजिक को प्ले करेंगे जी और डी दबा के एक साथ इस तरीके से। तो प्ले करके मैं बता रहा हूँ कैसे, छोगाड़ा तारा और फिर म्यूजिक इस तरीके से। अब अगला जो आएगा छबीला तारा, उसमें भी हमें ये जो हमने सीखा इसी को हमें रिपीट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, सेम बिल्कुल यही का यही हमें रिपीट कर देना है। तो वो हो जाएगा छबीला तारा, कैसे देख लीजिए, छबीला तारा ये देखिए, सेम हमको रिपीट कर देना है तो छबीला तारा हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा रंगीला तारा, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसी को हमें रिपीट कर देना है। तो वो हो जाएगा रंगीला तारा। बस यहाँ पे थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जी और डी एक साथ प्ले कर रहे थे उसको हमें अब नहीं करना है। तो बाकी जो हमने सीखा उसको रिपीट करना है, सिर्फ जी और डी एक साथ जो प्ले करना है वो हमें नहीं करना है, बाकी हमें सेम प्ले करना है, बस इतना हमें सेम प्ले करना है। अब इसके बाद लाइन है रंग भेर जुबे तारी वात्रे, स्लो देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए। रंग के लिए ए बी और भेर के लिए ए डी और जुबे के लिए सी बी और तारी के लिए सी बी और वात के लिए ए जी और रे के लिए जी। तो कैसे प्ले हो गए, रंग भेर जुबे तारी वात रे। अब सारी लाइनों को हम दोबारा प्ले करेंगे, मगर दोबारा प्ले करने पर कहीं कहीं पर थोड़ा सा अंतर आ गया है। अब जो लाइनें प्ले होंगी तो इस तरीके से होंगी, छोगाड़ा तारा ओरे, छबीला तारा ओरे, रंगीला तारा,
रंग भेर जुवे तारी बात, इसमें जो ओरे ओरे है वो इसमें ऐड हो गया है। तो मैं आपको प्ले करके बता दे रहा हूँ, नोटेशन जो है आप स्क्रीन से देख लीजिए, मैंने हर शब्द के नीचे कौन से नोट लगेंगे वो लिख दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। कहाँ पर ओरे आएगा वो मैंने स्क्रीन पर समझा दिया है और उसके नोट्स भी मैंने उसके नीचे लिख दिए हैं। मैं आपको प्ले करके बताता जाता हूँ और नोट्स आप स्क्रीन से देख लीजिए, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं इन रिपीट लाइनों को प्ले करता जाता हूँ और जो नोट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देखते रहिए। थोड़ा बहुत अंतर है वो आप समझ जाएंगे, मैं प्ले भी कर रहा हूँ और स्क्रीन पर जो नोट्स हैं उसके अनुसार आप देखकर समझ जाएंगे। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा। और इसके बाद वही लाइन, रंग भेर जुवे तारी बात रे। और इसके बाद वही स्पेशल म्यूजिक आ जाएगा जो हमने शुरू में सीखा था। अब इस म्यूजिक के बाद अंतरा शुरू हो जाता है, अंतरे की लाइन है, छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात। तो पहले समझ लेते हैं छुप छुप के तुम्हें, स्लो देखेंगे इसको। नोट्स देखेंगे, छुप छुप के लिए डी 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 डी, चार बार डी। इसके बाद के लिए ए बी, और इसके बाद तुम्हें तुम्हें के लिए ए जी। तो कैसे प्ले हो जाएगा ये, छुप छुप के तुम्हें। इसके बाद है देखा मैं करूं, देखा मैं करूं बिल्कुल सेम ऐसे ही प्ले होगा, बस इसमें देखा मैं थोड़े नोट कम हो जाएंगे। बस इस लाइन में जो देखा है उसमें दो डी प्ले होंगे, बाकी की पूरी लाइन वैसे ही प्ले होगी। इसको भी देख लीजिए, देखा मैं करूं, देखा के लिए दो बार डी, और मैं के लिए ए बी, और करूं के लिए ए जी, बिल्कुल सेम लाइन है। तो कैसे प्ले होगी ये, देखा मैं करूं। दोनों लाइनों में सिर्फ इतना अंतर था, छुप छुप के लिए हमने चार बार डी लगाया और देखा के लिए हमने सिर्फ दो बार डी लगाया। अब इसके बाद आता है सारी सारी रात, इसको स्लो समझ लीजिए। नोट देख लीजिए, सारी के लिए जी ए, फिर से सारी के लिए ए बी, और रात के लिए बी ए जी। इसके बाद फिर से रिपीट होगी, सारी के लिए आएगा जी ए, फिर से सारी के लिए आएगा ए बी, इस बार रात के लिए आएगा बी। तो कैसे प्ले होगी लाइन, इस तरीके से। इसके बाद जो लाइन आएगी वो फीमेल सिंगर की आएगी, मगर वो लाइन बिल्कुल सेम ऐसी ही प्ले होगी जैसे हमने अभी सीखी है, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्ले होगी। बोल उसके चेंज हैं, बोल हैं छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात सारी सारी रात। तो इस फीमेल वाली लाइन के लिरिक्स और नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं बस प्ले करके दिखा देता हूँ, नोट्स आप स्क्रीन से देख लीजिए। छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात सारी सारी रात। इस तरीके से। अब इसके बाद जितनी भी लाइनें आएंगी वो वही लाइनें आएंगी जो हमने पहले सीखी थी, दोबारा दोबारा उन लाइनों को समझाने कोई फ़ायदा नहीं है, बिना वजह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लाइंस कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी लाइनें रिपीट हो रही हैं। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां, ये मैंने आपको समझाई दिया। इसके बाद फिर आता है छोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेर जुवे तारी बात रे, ये सारी की सारी लाइन हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये आपको प्ले करनी है वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले सिखाई है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपने फरमाइशी गानों को बहुत ही सरल तरीके से प्ले करना सीखते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपकी अगली रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।